नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स शरीफ के ज़िमन में फजीलत माब डॉक्टर अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी अलमारूफ सिराज बाबा सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख दकन रहमतुल्लाह अलैह शेख रोज़ा गुलबर्गा की सरपरस्ती में अंजुमन तरक़ी उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा में एक अजीमुशान जश्न का इनेकाद किया गया। इस जलसे की निगरानी तकद्दस माब हज़रत सैयद शाह हिसामुद्दीन मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी उर्फ़ हाशम पीर सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैयद शाह हिसामुद्दीन मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी अलमारूफ तेग़ बरहना रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा ने की। सदारत नबीरे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी व सदर खाजी गुलबर्गा फजीलत माब डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी चिश्ती नक्शबंदी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत मौलाना अब्दुल खादर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने की। इस जश्न के मौके पर हज़रत मीरा सैयद शाह मुस्तफ़ा खादरी अलजेली सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत मीरा सैयद शाह खलीफतुर रहमान खादरी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती गुलबर्गा हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ साहब सदर मुफ्ती दारुल इफ्ता दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाज़िया गुलबर्गा हज़रत मौलाना डॉक्टर काशिफ रज़ा शाद मिसबाही मुदर्रिस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा गुलबर्गा डॉक्टर अथर मोइज़ प्रोफेसर ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी गुलबर्गा वो एडिटर रोज़नामा केबीएन टाइम्स को मौलाना रूम एवार्ड तफवीज़ किए गए। हज़रत मौलाना हाफिज़ वखारी मोहम्मद फ़खरुद्दीन मानियाल ख़तीब व इमाम मस्जिद शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस जलसे में मौजूदी ने शहर के अलावा अवाम की कसीर तदाद शरीक थी। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। बनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। डॉक्टर हामिद फैजल सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब किबरा मरहूम व मक़बूर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर मुख्तलिफ़ इजलास जैसे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो तकारीब वाले निगरान भी किया करते थे उसको मज़ीद इजाफे के साथ आज सर अंजाम दे रहे हैं। और हर साल शहर के मुख्तलिफ मुंतखब शख्सियात जिनके अदबी समाजी रूहानी खिदमात हुआ करते हैं उनको आप इंतखाब फरमा कर दुनिया तसव्वुफ़ की अजीम शान हस्ती हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के इसमें मुबारक से निस्बत रखने वाला अवार्ड मौलाना रूम अवार्ड तफवीज़ करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जिन जिन हजरात को इस अवार्ड से मुशर्रफ़ किया गया है उन तमाम को मैं बारगाह शेख दकन वाली की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी उसमें उन्होंने लगाई और पूरी जी जान से कोशिश करके इलाका हैदराबाद कर्नाटक में मौरूसी निज़ाम खजात को उन्होंने बहाल कराने की कामयाब नुमाइंदगी की। आज जो भी इलाका हैदराबाद कर्नाटक में मौरूसी खजात बाकी है बहाल है ये हज़रत मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह काज़ी लहू गुलबर्गा की देन है। उन्होंने अगर ये काविशें ना की होती तो यहाँ से भी इस इलाके से भी मौरूसी निज़ाम खजात ख़त्म हो जाता। सिद्क़ और सफ़ा ये खानवादा सिद्दीकी के मुमताज़ औसाफ हैं। सिद्क़ो सफ़ा इस खानवादे में मिन जानिबिल्लाह इस खानवादे को ये औसाफ वदियत किए गए हैं। सिद्क़ो सफ़ा इनके मुमताज़ औसाफ हैं। इन्हीं औसाफ जलीला की वजह से बेशुमार खिदमात इनसे अंजाम पा रही हैं। मैं इस खानवादे की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये खानवादा इसी तरह हमेशा जब तक अल्लाह ताला मौका अता फरमाए अपने दीनी इल्मी रूहानी फलाही रिफाही खिदमात को जारी वसारी रखेगा और अपने अजदाद कराम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हज़रत अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फैज़ान को
امیر المومنین امام المتقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلیمات کو آپ کے روحانی فیض و برکات کو عالم اسلام میں عام کرتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خانوادہ صدات، خانوادہ صدیقی، خانوادہ خزات گلبرگہ کے دینی، علمی، ملی، فلاحی، رفاہی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس خانوادے کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی عداوت سے، سازشوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ السلام علیکم۔